ओके तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा है कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो एलिमेंट्स होते हैं या वो कंपाउंड होते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलाकर एक जो मटेरियल, एक जो सब्सटेंस तैयार किया जाता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर जो होता है वो प्योर सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। प्योर सब्सटेंस मतलब एलिमेंट या कंपाउंड। तो जब भी एक मिक्सचर बनाया जाता है तो उसमें दो एलिमेंट कंबाइंड हो सकते हैं, दो कंपाउंड कंबाइंड हो सकते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइंड हो सकता है। ये जब प्योर सब्सटेंस आपस में मिक्स किए जाते हैं इन एनी प्रोपोर्शन सच दैट कि वो किसी भी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन आपस में ना करें। इस बात का मतलब ये है कि जब भी आप दो प्योर सब्सटेंस को आपस में मिलाएं और वो केमिकली रिएक्ट ना करें बट वो फिजिकली एनी प्रोपोर्शन में मिलाए जा सकें, कितना भी ज़्यादा कितना भी कम किसी का भी रेशियो लिया जा सके, तो वहां पर जो मटेरियल बन के तैयार होगा वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे कहूँ कि मान लो मेरे पास एक प्योर सब्सटेंस है, जैसे मैंने लिखा सुगर, ठीक है, ये क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है ना। अच्छा, सुगर ये कंपाउंड है, सुगर क्या है? एक कंपाउंड है। इसी तरह से वाटर, वाटर भी क्या है? एक कंपाउंड है और प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो सुगर भी एक कंपाउंड है, वाटर भी एक कंपाउंड है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। अब इनको हमने आपस में मिलाया, आपस में एक दूसरे के साथ क्या किया? मिक्स किया। मिक्स करने पर जो हमारे पास बन के तैयार होगा उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। जब भी शुगर और वाटर आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो किसी भी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन वहां पर नहीं होती है। आप एक ग्लास लीजिए, उस ग्लास में वाटर को भरिए और उसमें शुगर डालना स्टार्ट करिए। जब आप शुगर को डालेंगे तो शुगर वहां पर जाकर कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। आप जितना पानी लेना चाहते हैं उतना पानी लीजिए, आप जितनी ज्यादा शुगर लेना चाहते हैं उतनी ज्यादा शुगर उसमें मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी दो कंपाउंड या दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो जाएं से मतलब केमिकल रिएक्ट ना कर जाएं, केवल एक दूसरे के साथ क्या हो जाएं? मिक्स हो जाएं। और शर्त ये है कि वहां पर दोनों में से कोई भी ज्यादा या कोई भी कम या कितना भी लिया जा सकता हो, तो वो उस केस में हम क्या कहेंगे? वो क्या है? एक मिक्सचर है, ठीक है। अगर आपको एक ग्लास पानी लेना है और उसमें एक चम्मच शुगर मिलानी है तो दैट इज ओके, या आपको इतनी ज्यादा शुगर लेनी है और उसमें एक चम्मच पानी डालना है, दैट इज ओके। दोनों ही केस में वो क्या होगा? शुगर और वाटर का एक मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। हमारे पास जो मिक्सचर होते हैं बच्चों, हम अपनी डेली लाइफ की अगर बात करें तो डेली लाइफ में बच्चों हमारे पास जनरली जो चीजें हैं वो क्या हैं? मिक्सचर्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि जो हम घी खाते हैं वो घी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट प्योर सब्सटेंस का एक मिक्सचर है। जैसे हमारे आसपास जो एयर है वो एयर भी क्या है? एक मिक्सचर है। उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं तो एयर क्या होता है? बहुत सारी गैसेस का क्या है? मिक्सचर है। मिल्क क्या है? मिल्क भी ये क्या है? एक मिक्सचर है ना। डिफरेंट टाइप के फैट्स का, वाटर का, मिल्क क्या है? मिक्सचर है। जैसे आपका अदर सब्सटेंस आप देखो, जैसे पेट्रोल, कैरोसिन। पेट्रोल को आप देखते हो तो पेट्रोल तो आपको देखने में तो ऐसा लगता है कि सिर्फ पेट्रोल है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स का एक मिक्सचर होता है ना। जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक जो होती हैं, वो सॉफ्ट ड्रिंक भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, उसमें गैसेस और लिक्विड का मिक्सचर होता है वो। तो हमारी डेली लाइफ में हम अपने चारों तरफ बहुत सारे टाइप के क्या देखते हैं बच्चों? मिक्सचर्स देखते हैं। नंबर वन पर बच्चों हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनमें जब दो कंपाउंड या एलिमेंट या दो प्योर सब्सटेंस हम कहें जब आपस में मिक्स किए जाते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं थ्रू आउट यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि जब आप दोनों को मिक्स करेंगे और वहां से एक सैंपल उठाकर देखेंगे तो वो इक्वल इक्वल अमाउंट में आपको दिखाई देंगे, सेम दिखाई देगा है ना, अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। फिर से जैसे मान लो आपके पास आपने वाटर लिया, ठीक है, आपने क्या लिया? वाटर लिया और आपने उसमें शुगर डाला एक चम्मच और उसको मिलाया। अब आप जब आप उसको देखोगे तो अभी भी आपको वाटर ही दिखाई देगा, उसमें शुगर नहीं दिखाई देगा। तो ये कैसा हो गया? शुगर और वाटर बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है, एक ही फेज में दिखाई दे रहा है।
तो हम क्या कहेंगे, ये मिक्सचर कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। इस बात का मतलब ये है कि जब भी हमारे सामने एक होमोजीनियस मिक्सचर आता है तो उसमें दो या दो से ज़्यादा जो भी प्योर सब्सटेंस मिलाए गए हैं वो अलग अलग नहीं दिखते हैं, उनके बीच में कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, चाहे आप उन्हें नेकेड आइज से देखें या इवन माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको वहां पर अलग अलग सब्सटेंस दिखाई नहीं देते। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पर मैं वाटर को भर लूँ, ठीक है, वाटर को भर लूँ और इसके अंदर शुगर डाल के और फिर इसको मिक्स कर दूँ, तो शुगर डालने से पहले भी ये मुझे ऐसा ही दिख रहा था और शुगर को डालने के बाद मिक्स करने के बाद भी मुझे ये ऐसा ही दिख रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें से देखकर शुगर कहाँ है, तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन ये बात आप याद रखिए कि अगर आप शुगर को यहाँ पर भर लेते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद आप सॉल्ट को यहाँ पर भर लेते हैं, तो आपके पास क्या होगा, शुगर और सॉल्ट को अगर आप मिक्स करते हैं तो सॉल्ट की, सॉल्ट आप देखकर अलग बता सकते हो कि ये है और शुगर अलग बता सकते हो कि ये यहाँ पर है। जैसे ये इतना पार्ट शुगर से भरा हुआ है, इतना पार्ट किससे भरा हुआ है, सॉल्ट से भरा हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है, एक विजिबल बाउंड्री, इससे नीचे शुगर है, इससे इससे ऊपर क्या है, सॉल्ट है। जबकि शुगर सॉल्यूशन की हम बात करें, शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर एंड वाटर, उनको जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो उस केस में क्या होता है, मिक्स करने के बाद हमें कोई विजिबल बाउंड्री नहीं दिखती, मतलब हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर शुगर है, यहाँ पर शुगर है, ऐसे देखकर नहीं बता सकते, क्योंकि ये थ्रू आउट कैसा मिक्स हुआ है, होमोजीनियस, एक जैसा, ठीक है, नो विजिबल बाउंड्री। तो उस केस में जो हमारे पास जो मिक्सचर होता है जिसमें कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होती है, होमोजीनियस यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है थ्रू आउट वो मिक्सचर, तो वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जाम्पल अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एयर, अगर हम एयर की बात करें बच्चों, तो आपके चारों तरफ एयर है, वो एयर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस का मिक्सचर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसेस हैं उसमें, लेकिन वो सारी गैसेस क्या आपको दिखाई देती हैं, नहीं, लेकिन वो है ना उसमें, मिक्स तो है तो, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है, तो यानी कि हमें कैसा दिखाई दे रहा है, एक जैसा दिखाई दे रहा है, यूनिफॉर्म दिखाई दे रहा है, नो विजिबल बाउंड्री। हम देखकर ये नहीं कह सकते कि इतने पार्ट में मेरे रूम में नाइट्रोजन है, इतने पार्ट में ऑक्सीजन है, इतने पार्ट में ये है, इतने पार्ट में वो है, नो, हम ये नहीं कह सकते, हमें थ्रू आउट क्या है, क्या दिखाई देगा, एक जैसा एयर, ठीक है। तो एयर भी किस कैटेगरी का मिक्सचर हुआ, होमोजीनियस, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। इसी तरह से हम एलॉय की बात करें तो एलॉय जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। आप जैसे स्टील को देखते हो तो स्टील आपको थ्रू आउट स्टील दिखाई देता है, उसमें आयरन भी है, कॉपर भी है, तो वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना, आपको थ्रू आउट क्या दिखाई दे रहा है, स्टील दिखाई दे रहा है। तो जो एलॉयस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मोर देन टू मेटल या नॉन मेटल को मिलाकर बनाए जाते हैं, लेकिन आपको जब दिखाई देगा तो वो थ्रू आउट एक जैसा दिखाई देगा, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो उसमें दिखाई नहीं देंगे, जिनसे वो मिलकर बनाया वो अलग अलग दिखाई नहीं, ठीक है। अच्छा, अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर इमिसिबल, टू और मोर मिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड का मतलब एग्जाम्पल हो गया, जैसे मान लो वाटर है हमारे पास, एल्कोहल है हमारे पास, अगर हम एल्कोहल में वाटर को मिला देते हैं तो आप देखोगे तो एल्कोहल और वाटर अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, वो थ्रू आउट हमें क्या दिखाई देगा, एल्कोहल ही दिखाई देगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि वो दो चीजों से, दो चीजें वहां पर हैं, वाटर भी है और एल्कोहल भी है, लेकिन दिख क्या रहा है, एक ही दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कैसा मिक्सचर हुआ, होमोजीनियस, ठीक है। तो मिसिबल लिक्विड जो होते हैं वो भी होमोजीनियस की कैटेगरी में आते हैं, और जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर ये बात, ध्यान रखोगे, अगर कोई पूछता है कि सॉल्यूशन क्या होता है तो सिंपल सा आंसर है, ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तो हो गया किसकी बात, होमोजीनियस मिक्सचर की बात। इसके बाद जो नेक्स्ट दूसरा टाइप है वो है हेटरोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर का उल्टा, कि जिसमें जब दो चीजों को मिलाया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, तो वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द मिक्सचर वो एक जैसी नहीं दिखाई देंगी, उनमें विजिबल बाउंड्री होंगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था शुगर का और सैंड का, है ना, वही सेम एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं यहाँ पर शुगर रख दूँ इस तरह से, है ना, यहाँ पर मैंने शुगर भर दी, ठीक है, फिर इसके बाद सपोज करो मैंने इसमें सॉल्ट को भर दिया, सॉल्ट, सॉल्ट, है ना, तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है,
दिखाई दे रहा है? तो आप बिल्कुल क्लियरली बता सकते हो कि देखो ये है सॉल्ट है, यहाँ पर इतने पार्ट में सॉल्ट है, इतने पार्ट में क्या है शुगर है। तो ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ है। यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ का मतलब ये है कि अगर आप शुगर और सॉल्ट को ऐसे मिला भी देते हो तो मिलाने के बाद क्या होगा, कहीं पर आपको ज्यादा पार्टिकल दिखाई देंगे किसके, सॉल्ट के, हो सकता है मिक्स करने के बाद, कहीं पर क्या होगा शुगर के ज्यादा दिखाई देंगे। तो ये एक जैसा मिक्स नहीं हुआ है, यूनिफॉर्म मिक्स नहीं हुआ है, एक जैसा नहीं मिल रहा। कहीं पर इस मिक्सचर में देख रहे हो तो आप किसके पार्टिकल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, सॉल्ट के, कहीं पर किसके ज्यादा दिखाई दे रहे हैं शुगर के। तो एक तो ये यूनिफॉर्म मिक्स नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास बिल्कुल क्लियरली विजिबल बाउंड्रीज हैं, हम नेकेड आइज से देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्ट है, यहाँ पर क्या है शुगर है। तो यहाँ बाउंड्री बना सकता हूँ कि इतने पार्ट में शुगर है, इतने पार्ट में सॉल्ट है, तो विजिबल बाउंड्रीज वहां पर है। इस तरह के मिक्सचर जहां पर हमें क्लियरली जो कॉम्पोनेंट जो मिलाए गए हैं वो दिखते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए शुगर और सैंड का मिक्सचर, या मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड का मतलब हो गया लाइक जैसे वाटर हो गया, वाटर को पेट्रोल में आप मिलाओगे तो वो अलग अलग दिखाई देगा, या वाटर को कैरोसिन ऑयल में मिलाओगे तो ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग अलग दिखाई देगा, तो उसकी विजुअल बाउंड्री होगी, या तो ऑयल ऊपर आ गया या वाटर ऊपर आ गया, तो उनमें से कुछ भी जो होगा वो उसकी एक विजुअल बाउंड्री आपको दिखाई देगी। आपको क्लियरली पता चलेगा कि अच्छा ये जो है वो क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। So these are the two types of what? Mixtures.